हमारी मांग है जो किसान के जो गन्ने उत्पाद आ रहे हैं उसका जो मूल्यांकन सही नहीं मिल रहा उनका किसान लोगों को, और जो कर्ज वर्ज करके सब किसान खेती कर रहे हैं उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जो सब आत्महत्या कर रहे हैं कर्नाटक में, जो राज्य सरकार है जो हमको उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं, जो फैक्ट्री के जो पैसे आने थे बकायदा वो पैसे भी नहीं आ रहे हैं, और जो वहाँ पर धान की फसल आ रही है धान की फसल की भी उचित मूल्य नहीं आ रहे हैं। तो हमारी जो कर्नाटक से सब हम किसान लोग गाँव से आए हुए हैं और हमारी मांग ये है कि भी गांव से लेकर दिल्ली तक सब आए हुए हैं हम, हमारी मांग यही है हमारी जो फसल आती है उसकी उचित मूल्य दिया जाए, जो किसान कर्ज से डूब रहा है। मतलब कितना देते हैं आपको? हमारे उधर 2,000-2,750 दे रहे हैं फैक्ट्री से, और उसमें कटिंग चार्ज ये वगैरह वगैरह कट करके 1,500 रुपये हाथ में आ रहे हैं, तो 1,500 में क्या होगा हमारा, किसान लोग भारी परेशान झेल रहे हैं। तो हम यही सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमको कर्ज वर्ज माफ़ी की नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ यही पूछते हैं जो हमारे उत्पाद जो आ रहे हैं उसका उचित मूल्य दीजिए, जो किसान कुछ बच सके अच्छा हो सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही विनती करते हैं जो किसान गन्ने उत्पाद अच्छा आने दें और अच्छा भाव दें, और जो अच्छे दिन नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जो किसान के अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं जी, अच्छा दिन आए इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पे आगे धरना कर रहे हैं। इससे पहले आपने धरना दिया था वहाँ पर, बेंगलोर मैसूर सब जगह दिए हुए हैं, तो यहाँ पे फिर दिल्ली आए जंतर मंतर? हाँ जी, वहाँ पे मांग हमारी क्या राज्य सरकार ने नहीं मानी तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, क्या आश्वासन दिया आपको वहाँ से दे रहे हैं कि हम जो अभी जो सरकार बनी हुई है जी उन्हें बोल रहे हैं देंगे तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी, तो बस बात ही कर रहे हैं जो किसान को गन्ने मूल्य नहीं बढ़ा रहे हों, और जो वेजिटेबल्स हैं भिंडी टमाटर सब वहाँ पे होते हैं फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, उसका भी भाव ताव कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही जो हमारे जो फसल आ रही है उसकी कमी हमारे मतलब उसकी कीमत नहीं बन रही है, जो बीच में दलाली लोग होते हैं वो खा रहे हैं पर हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस यही आपसे अनुरोध करते हैं जो हम जो फसल करते हैं उसकी अच्छी उचित मूल्य दीजिए, बस और कुछ भी नहीं सर।